बिहार चुनाव में बीफ पर मचे घमासान के साथ लालू यादव ने बाबा रामदेव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने लालू के को कंस का वंशज बताया था। अब लालू ने कहा है कि रामदेव पर खुद दवाओं में जानवरों की हड्डियों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। तो बाबा रामदेव पर यहां लालू प्रसाद यादव ने पलटवार किया है। बाबा रामदेव ने कल लालू प्रसाद यादव पर यह कहते हुए हमला किया था कि बीफ पर जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद ऐसा लगता है कि वो कंस के वंशज हैं, गौपालक नहीं, यदुवंशी नहीं। और इसी बयान पर लालू यादव ने पलटवार किया है, कहा है कि बीजेपी के इशारे पर रामदेव चल रहे हैं और खुद उन पर, उनकी दवाओं पर यह आरोप लग चुका है कि उनमें जानवरों की हड्डियों से वो दवाएं बनी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या बयान दिया लालू प्रसाद यादव ने। रामदेव महाराज जो है ना, इसका जान बचाया है, ड्रिल कर गया है, आरएसएस से भी बढ़ के वो हो गया है। वो इस आदमी ने ही बिंदा करात ने एलिगेशन लगाया था कि दावा में जानवरों को हड्डी मिला के खिला रहा है। मालूम है ना, जानवर का हड्डी तो हमने कहा था भाई, जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है। फिर ये रामदेव महाराज को मैंने ये कहा कि काला धन के मामले में चुप क्यों हो तुम, ज़्यादा उपद्रव किए थे तो ये रिएक्ट करता है ये सब आदमी। ये साधु नहीं है, स्वाधु है, और महाराज नहीं है, दवा बीरो बेचता ठीक है बेचो। इधर बीच में फिर ये कंट्रोवर्सी में आया ये आदमी कि जो दवा बेच रहा है उसमें जो सुन माद है उसमें सेक्स के प्रति, ऐसे लोग के जो भाजपा के इंस्टांस पर चल रहे हैं लोग, ये क्या बात करता है। जाके देख रहे हैं कितना गाय हमारे पास में, गाय का पूजा हम लोग करते हैं, गाय आती है दरवाजा पर तो उसको आती रबड़ी देवी आ गुड़ा आ टीका कर देते, ऐसे करते ऐसे फालतू। तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं बाबा रामदेव, ये आरोप लगाया, लेकिन क्यों लालू इतना तिलमिलाए। दरअसल रामदेव ने कल एक बयान दिया था जिसके बाद लालू ने आज ये पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ कल रामदेव ने कहा था। कहते ना, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, अब दोबारा से वो लालू की काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं, ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। वो कहते हैं कि मैं यादव हूं, और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, और भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है, और उसको बिहार के यदुवंश के लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो उन्होंने यदुवंशियों के आचरण को लेकर के, यदुवंशियों के विचार को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के जो कलंकित किया है, उसका भी खामियाजा उनको चुनाव में भोगना पड़ेगा। तो यहां पर बयानों की राजनीति लगातार जारी। लालू यादव का एक बयान आया, उस पर रामदेव ने पलटवार किया और फिर लालू ने आज इस पर जवाब दिया। वहीं सुशील मोदी ने भी लालू पर आज हमला जारी रखा। उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने गौ सेवा के लिए नहीं बल्कि डेयरी व्यवसाय दिखाकर चारा घोटाले का काला धन छिपाने के लिए कुछ गायें पाल ली हैं। गौ पालन में उनकी आस्था नहीं, इसलिए गौ मांस खाने की बात करते हैं। वो बताएं कि उनके बेटे बेटियों को गोबर पाथना और दूध निकालना आता है क्या। तो ये तो बात थी बयानों की राजनीति की, लेकिन लालू की राह पर अब उनके बेटे भी निकल पड़े हैं। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने कल चिराग पासवान के दिए बयान पर निजी तौर पर हमला किया था। अब उसी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने रामविलास पासवान पर निजी हमला किया है। तेजस्वी ने कहा कि रामविलास ने एफिडेविट में कौन सी पत्नी का नाम डाला है, पहले इस पर चिराग पासवान सफाई दें। दरअसल चिराग पासवान ने लालू के बेटों की उम्र पर कहा था कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनका सबसे छोटा भाई कौन है। अब बयान पर किस तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति किस स्तर तक जा पहुंची है इसकी ये अपने आप में एक मिसाल है। निजी हमले यहां पर हो रहे हैं।
चिराग पासवान ने पहले हमला किया तो अब इस पर तेजस्वी ने जवाब दिया और सीधे रामविलास पासवान पर हमला करते हुए ये कहा कि एफिडेविट में जानकारी देने पर पहले वो पत्नी का नाम बताएं, किस पत्नी का नाम उन्होंने दिया है। बयानों की यह आग ऐसी है जो अब निजी हमलों तक, निजी जीवन तक जा पहुंची है नेताओं के, और बिहार चुनाव में इसके एक के बाद एक उदाहरण सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि इस तरह से बीफ के मुद्दे पर लालू के बयान की जो आग निकली थी उस पर तमाम नेता कूद पड़े और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, और उसके बाद अब ये दूसरी तस्वीर, दूसरी जनरेशन, दूसरी पीढ़ी की उदाहरण आपको दे रहे थे जिसमें चिराग पासवान और लालू यादव के बेटे तेजस्वी कूद पड़े हैं और एक दूसरे पर निजी हमले करने से भी बाज नहीं आ रहे। का मामला अब इन लोगों में कंपटीशन चला हुआ है कि इंडिविजुअली वार करना, हम लोगों ने किसी पे इंडिविजुअली वार नहीं करने का काम किया है, जो है नहीं है। जहाँ तक चिराग पासवान जी बोलते हैं, रामविलास पासवान जी के एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी उनकी बीवी का नाम है, क्या है, पहले इस पे क्लैरिटी दें।